आप देख रहे हैं BHBC News। भारत में कोरोना का विस्फोट तब हुआ जब कई जमाती मस्जिद में ही थे, जबकि एक जगह इकट्ठा होने में मनाही थी। कई जमातियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गलती प्रशासन की थी या पुलिस की, ये कहा नहीं जा सकता, पर कोरोना के लिए सिर्फ किसी एक को दोषी ठहराना गलत होगा। जहां गोदी मीडिया ने सारा ठीक रहा जमातियों पर फोड़ दिया। बता दें कि कोरोना के मामले तो जमातियों से पहले भी थे। कई लोगों ने जमातियों को कोरोना केस बढ़ने का कारण बताया तो किसी ने कुछ और। जहां पाकिस्तान को भी भारत को ताना मारने का मौका मिल गया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार करता है। उसने इस मुद्दे को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी उठाया, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जहां ज़्यादातर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत का साथ दिया। खबरों के अनुसार मालदीव के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत का साथ दिया था। भारत के रणनीतिक साझेदार और भरोसेमंद दोस्त ओमान ने भी OIC में इसे भारत का अंदरूनी मसला कहा है। इसे सऊदी अरब और UAE के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के अलावा इस्लामिक देशों के बीच भारत की अहमियत के तौर पर देखा जा सकता है। कई और देशों ने अभी तक पाकिस्तान के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने हाल ही में OIC की एक ऑनलाइन मीटिंग में दावा किया था कि भारत इस्लामोफोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिस पर मालदीव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को लताड़ लगाई और पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत है और इस तरह का आरोप दक्षिण एशिया में धार्मिक सद्भावना के लिए घातक है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार को 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले देश की मंशा के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। मालदीव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया अपनाना चाहिए। हाल ही में भारत ने केसरी पोत के जरिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोसोर में COVID-19 को लेकर मेडिकल आपूर्ति भेजी थी। आप देख रहे हैं BHBC News।